दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों इनकम टैक्स की ई फिलिंग जो पोर्टल है वो फाइनली रेडी हो चुका है, लॉन्च हो चुका है नया वाला। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये है पहले वाला, जो पुराना वाला है इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in, जो कि लंबा चौड़ा URL आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वाला जो है incometax.gov.in है, यानी आसान है यहाँ पर इस वेबसाइट को ढूंढना, और इसमें चीज़ें जो है काफ़ी आसान भी बनाया गया है, जो कि यहाँ पर कोशिश किया गया है कि एक ही पेज में सारा जानकारी यहाँ पर दिया जाए। पहले वाला में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दिया गया था और साथ ही साथ फीचर्स किस प्रकार से ऐड किए गए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे मशक्क़त करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ढूंढना पड़ता था, जल्दी में मिलता भी नहीं था। लेकिन नया वाला वेबसाइट में आप देख सकते हैं चीज़ें आसान बनाया गया है, इसमें स्पीड रहेगी, उसके बाद एक्यूरेसी रहेगी, बहुत सारे व्यवस्था इसमें दिया गया है। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आप इसका जो है URL देख लीजिए, incometax.gov.in है इसका URL, और यहाँ पर efilling 2.0 जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ऊपर में आपको होम की एक ऑप्शंस दिखते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल के ऑप्शंस मिलते हैं। efilling आप करते हैं, टैक्स वगैरह फाइल करते हैं, तो काफ़ी आसान यहाँ पर आपको मिलते हैं अब टैक्स फाइल करने की ऑप्शंस, जो कि आप लोग भी काफ़ी आसानी से यहाँ पर फाइल कर सकती हैं, जो कि इंडिविजुअल को यहाँ पर अलग रखा गया है। इंडिविजुअल में सैलरीड एम्प्लॉय हो जाते हैं, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली हो जाते हैं, हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न के लिए गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, रिटर्न फॉर्म जो कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पर बता दिया जाता है, टैक्स स्लैब बता दिया जाता है। इसके साथ ही आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी वालों को एक अलग ही ऑप्शंस यहाँ पर दे दिया गया है, जहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी जो भी यहाँ पर है उनको एक अलग से ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। नॉन कंपनी वालों को भी यहाँ पर ऑप्शंस दे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर की एक ऑप्शंस दिया गया है, जहां पर चार्टेड अकाउंट CA वगैरह होती हैं, अकाउंटेंट, ये ऑप्शंस यहां पर दे दिया गया है। एक्सटर्नल एजेंसी जो भी यहां पर रहेंगे वो यहां पर दे दिया गया है ऑप्शंस। उसके बाद डाउनलोड की ऑप्शंस दी गई है और हेल्प वाला ऑप्शंस दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हेल्प डेस्क सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, और एक चैट बॉट को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। ऊपर में कॉल अस की ऑप्शंस दिया गया है, जो कि आप देख लीजिए, लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड वगैरह आप यहां से इनेबल कर सकती हैं। इसके साथ ही ऊपर के कॉर्नर में आपको रजिस्टर की ऑप्शंस मिलते हैं, जिस तरह से पुराने वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करते थे, सेम वही चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बगल में आपको लॉगिन की ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर आप अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये वेबसाइट जो है सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, अभी यहां पर इंटरफेस इसका बताया गया है। इसके साथ ही इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या क्या चीजें हैं वो यहां पर गाइड भी किया गया है कि नया पोर्टल में किस तरह से क्या चीजें हैं। आप नीचे की तरफ आओगे तो आवर सर्विसेज की ऑप्शंस मिलेंगे, जहां पर आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं इनकम टैक्स को। उसके बाद यहां पर जो है आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, जो कि आप देख लीजिए यहां पर, और यहां पर जो है ई पे टैक्स, यानी कि अब जो है आप यहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको पेमेंट करने की ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी यहां पर पेंडिंग टैक्सेस है उसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। पहले चलान वगैरह की झंझट होता था, NSDL से जाकर चलान लेना पड़ता था, उसके बाद वो पेमेंट हो पाती थी। अब जो है आपको यहीं पर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा दे दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों और सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप यहां पर स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, जो भी फिलअप वगैरह करते हैं। उसके बाद पैन कार्ड को वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हैं, पैन डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर TAN जान सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नीचे में आपको वीडियो बनाकर भी दिया गया है कि कैसे ये चीजें काम करती है। यहां पर आपको जरूरतमंद की वीडियो मिल जाएगी कि आधार को लिंक कैसे करना है, पासवर्ड को चेंज कैसे करना है, कैसे प्रोसीडिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जब इसमें आप लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद किस प्रकार के इंटरफेस आते हैं और किस तरह से चीजें आसान बनाई गई है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहां पर
सबसे पहले इनके तरफ से ये कोशिश किया गया है कि सिंगल पेज में ही आपको सारी चीज़ें दिखाई जाए, और जो भी आप फिलअप वगैरह करेंगे उसमें कोशिश यही किया गया है कि काफ़ी आसानी से आपके सामने पेस्ट किया जाए और काफ़ी आसानी से आप लोग फिलअप कर सके। और यहाँ पर ग्रीवियंस सबमिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है और स्टेटस वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर फाइल जो है आप लोग कैसे करोगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि फाइल योर ITR की ऑप्शन आती हैं, इस पर क्लिक करके आप फाइल कर सकते हो। लेकिन जब आप अकाउंट को लॉग इन करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर किस प्रकार के इंटरफेस मिलता है वो चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को लॉग इन करती हैं तो आपको डैशबोर्ड नज़र आती हैं। जी हाँ, डैशबोर्ड आपको नज़र आती हैं जिसमें आपका सारा डिटेल्स नज़र आ जाती हैं। और उसके बाद आपको जो है ई फाइल की ऑप्शन मिलता है जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप फाइल कर सकती हैं, ई पे टैक्स आप कर सकती हैं, मतलब टैक्स जो है पे कर सकती हैं। उसके बाद ऑथराइज पार्टनर्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो भी ऑथराइज आपका पार्टनर्स रहते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देते हैं। इसमें सारा ऑप्शंस आपको मिल जाती है। और उसके बाद सर्विसेज वाला ऑप्शंस मिलता है, सर्विसेज वाला ऑप्शंस में आप जो है टैक्स की रिफंड रीइश्यू कर सकती हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सारा चीज़ें चेक कर सकते हैं, कंडीशंस रिक्वेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो टैक्स आपका रिटर्न वगैरह होता है वो रिटर्न फाइल जो करते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आपको पेंडिंग और एक्शन करके एक ऑप्शंस दिखाई देता है जहां पर आपका वर्क लिस्ट बताया जाता है। इसके साथ ही एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको दिखाई दे देते हैं और कंप्लायंस पोर्टल भी आपको यहां पर दिखाई देते हैं और रिपोर्टिंग पोर्टल भी आपको दिखाई दे देते हैं। उसके बाद यहां पर ग्रीवेंसेस का ऑप्शन आपको मिलते हैं जहां पर आप जो है ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं, आप अपने ग्रीवेंस स्टेटस वहां पर देख सकते हैं। और हेल्प की ऑप्शंस आपको एक मिल जाती है जहां पर FAQ भी आपको मिल जाती हैं जहां पर आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है यूज़र मैनुअल भी यहां पर देख सकते हैं, वीडियोस भी आपको मिल जाती है, वो सारी चीज़ें आप देखकर अपना मदद जो है कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको चैट बोट की ऑप्शंस मिल ही जाती है। तो आप जब लॉग इन करते हैं तो फाइल नाउ की एक ऑप्शंस मिलता है जिस पर क्लिक करके आप अपना रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। और लास्ट डेट बता दिया जाता है कि कब तक आपको फाइल करना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे देती है। उसके बाद आपके अकाउंट में जो भी पर्सनल डिटेल रहता है उसे आप देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट आप करना चाहे तो एडिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पैन कार्ड को जोड़ सकते हैं, आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे देती है। इसके साथ ही आपको अपना बैंक अकाउंट दिखाई देता है, उसके बाद डीमैट अकाउंट दिखाई देता है, जो भी रहता है उसे आप रीवेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर पहले वेरीफाई नहीं किए होंगे तो अपने बैंक अकाउंट वगैरह को रीवेरीफाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई देते हैं। सिक्योर अकाउंट पर क्लिक करके अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, सिक्योर करना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अपने अकाउंट को वहां पर सिक्योर कर सकते हैं रीवेरीफाई करके। और लास्ट 3 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं, पेंडिंग एक्शन आप वहां पर देख सकते हैं, टैक्स डिपॉजिट भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहां पर क्या है दोस्तों कि आपका प्रोफाइल कितना कंप्लीट रहता है वो भी प्रतिशत वहां पर बता दिया जाता है कि 80% कंप्लीट है या फिर उससे ऊपर है या फिर 100% कंप्लीट है। तो यहाँ पर नया वेबसाइट पर आपको नया चीज़ें देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे यहाँ पर फीचर्स जुड़े गए हैं और काफ़ी साधारण इस वेबसाइट को बनाया गया है, इस पोर्टल को बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। और ऊपर में ही आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो अब विशेषता ज्यादातर काम जो है आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि पहले काफी ज्यादा मुश्किल होता था चीजें ढूंढने में। और इसके साथ ही कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, इंस्टेंट ई पैन की सुविधा आपको मिल जाती है जहां पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। और TDS ऑन कैश विड्रोवल की सुविधा भी आपको यहां पर दिखाई देती है। तो पहले ही इनके तरफ से बोला गया था कि जो चीजें बनाई जा रही है, जो नया पोर्टल बनाया जा रहा है उसमें कोशिश किया गया है कि सिंगल पेज में ही सारे ऑप्शंस दिखाए जाए और चीजें और आसान बनाया जाए, थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा फास्ट बनाया जाए, वो चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इनके तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए जाएंगे जो कि कुछ दिन बाद आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिलेगा, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप जो है काफी आसानी से यहां पर काम कर सकते हैं,
यहाँ पर वेबसाइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखना शेष है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से कामगार साबित होते हैं। हालांकि यहाँ पर चीज़ें आसान बनाई गई है, यहाँ पर जो टैक्स फाइल करने आओगे आप, यहाँ पर फाइल वगैरह करने आओगे ना ई फिलिंग के नया वाला पोर्टल पर, तो चीज़ें आसान है, यहाँ पर आप फाइल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है डिटेल में, अगर कुछ बताने को रह गया होगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर नया पोर्टल में जिस तरह से जानकारी दिया है उस तरह से समझा कर हमने आपको जानकारी दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।